अस्सलाम वालेकुम सबास बेस्ट क्लासेस में आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्टर शेयर कर रही हूँ और वो है हनी गार्लिक चिकन। ये चिकन बनाना बहुत आसान है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा ये चिकन लगता है और सिंपल रेसिपी है, घर में मौजूद चीज़ों से ही बन जाती है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 350 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पहले धो लीजिए और इसमें ऐड कीजिए 1 क्यूब चिकन स्टॉक का। चिकन स्टॉक के इस क्यूब को आपने क्रश करके इसमें ऐड कर देना है, यानी बारीक करके इसमें ऐड करेंगे। और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर मींस काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड कीजिए और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, चिकन स्टॉक क्यूब में पहले ही नमक होता है, इसीलिए हमने इसमें नमक नहीं डाला है। और ये आपको चिकन स्टॉक क्यूब कहीं भी बाज़ार में मिल जाएगा। और देखिए, दो टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर आप इसमें ऐड कीजिए और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा चिकन अब बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उसमें एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें हम इन चिकन के पीसेस को डालकर फ्राई कर लेंगे। चिकन पीसेस को आप कढ़ाई में डालकर फ्राई कीजिए। इसे आपने कंप्लीट फ्राई नहीं करना है, बस जब ये हाफ फ्राई हो जाएंगे यानी 70% तक हमने इसे फ्राई करना है और फिर इसके बाद हम इसे बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपने इसी तरह से सारा चिकन फ्राई कर लेना है। देखिए, सारा चिकन हम फ्राई कर लेंगे। जब आप फ्राई करें तो हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें और कुछ टाइम आप मीडियम फ्लेम रखें ताकि चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पके। तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, फिर आप मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर फ्राई करके आप इसे निकाल लीजिए, फिर दोबारा इसे फ्राई कीजिए। यानी हमने इस चिकन को री फ्राई करना है ताकि ये चिकन बहुत क्रिस्पी बने। हमने एक बार फ्राई करके निकाल लेना है 70%, उसके बाद हमने इसे प्लेट में रखना है। थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हमने इसे फिर से ऑयल में डालना है, गरम तेल में, और फिर से हमने इसे फ्राई करना है। यानी हमने इसे दोबारा तलना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। अब हम एक दूसरे पैन में क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म करेंगे और उसमें 1 बटर का स्लाइस डाल देंगे। बटर का स्लाइस डालिए, उसे आप तेल के साथ गर्म कीजिए और जब ये गर्म हो जाएगा तब आप इसमें 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कीजिए। लहसुन हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है और बहुत अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। ठीक है, लहसुन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे। हॉट सॉस ऐड करके आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा धीमी आंच पर इसे फ्राई कीजिए और 1 टेबल स्पून हनी यानी शहद इसमें डाल दीजिए और ये सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर आराम से फ्राई कीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालिए ताकि ये चीज़ें जले नहीं। ठीक है, उसकी हल्की सी लाइट ग्रेवी बने और ये चीज़ें जले नहीं, इसीलिए हमने इसे हल्की आंच पर यानी मीडियम फ्लेम पर इसे हमने थोड़ा सा पका लेना है। तो देखिए, हम इसे पका रहे हैं बिल्कुल धीमी आँच पर और उसके बाद आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कीजिए। हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छी सी लाइट सी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे ये चिकन। आपने फ्राई किया हुआ चिकन डाल देना है जो बहुत ही क्रिस्पी है और जो हमने री फ्राई किया यानी डबल हमने इसको फ्राई किया है। और उसके बाद आप इसे मिक्स कर लें। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही चटपटी सी और मज़ेदार है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आती है और ये एक बहुत ही ईजी वाला स्टार्टर है जो आप अपनी दावतों में, अपने घर पर कभी भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे तिल। सफ़ेद तिल इस पर डालिए और सफ़ेद तिल डालकर आप इसे मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा चिकन बनकर तैयार है। हनी गार्लिक चिकन बहुत ही मज़ेदार सा है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए
और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।